नमस्कार दोस्तों, मैं ईटेक इंस्टीट्यूट मालरोड कानपुर से मिस्टर अमित बात कर रहा हूँ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं मिस्टर विकास जी, ठीक है, जिन्होंने अपना पूरा कोर्स मोबाइल का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, जीरो से लगा के एडवांस लेवल तक पूरा कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि हमारे विकास जी ऐसे थे कि आयरन पकड़ना इनको नहीं आता था। तो आज हम उनको ले चलते हैं आपको विकास जी के पास, उनका कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आज इनकी विदाई है, ठीक, जिसको बोलते हैं कि इन्होंने कोर्स कंप्लीट बाद अपने जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। और इनका जो विचार है वो विचार है कि ये मोबाइल शॉप को ओपन करेंगे। मोबाइल शॉप को ओपन करने का मतलब है यहाँ से जाएंगे, ठीक है, थोड़ी व्यवस्था करेंगे, काउंटर वगैरह, दुकान वगैरह। इन्होंने बीच बीच में जा जा के कुछ छुट्टियाँ भी ली हैं इन्होंने, ठीक है, जा जा के अपना सारा कुछ कंप्लीट करते रहे हैं। इसके बाद यहाँ से जा के दुकान को इनको ओपन करनी है, ठीक है। तो ये हमारे विकास जी जो हैं वो हमीरपुर आप जानते होंगे, ठीक, हमीरपुर यूपी में ही आता है। तो यहाँ से लगभग इनका जो गांव होगा वो 100-150 किलोमीटर के आसपास होगी, क्यों सर, 100-150 किलोमीटर के आसपास होगा। तो हमीरपुर के पास छोटा सा गांव पड़ता है, ठीक है, जिनको इनके पापा एक छोटे किसान हैं, ठीक है, इन्होंने अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद इन्होंने सोचा कोई हुनर अपना लिया जाए, क्योंकि जानते हैं आजकल अच्छे अच्छे जो लिखे पढ़े होते हैं, ठीक, उनको कोई भी सर्विस नहीं मिलती है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि चलिए हम वहाँ पे चलते हैं, ठीक है, चल कर के मोबाइल रिपेयरिंग सीखते हैं। इन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल देखा, ठीक है, चैनल देख के आए हुए थे ये हमारे। तो आइए हम आपको विकास जी से मिलाते हैं, ठीक है, विकास जी के जवान से हम आपको सुनवाते हैं कि इन्होंने यहाँ पे क्या क्या सीखा, ठीक है। तो आप विकास जी हमीरपुर कहाँ से रहने वाले हैं, कौन से गाँव से? जी, मैं हमीरपुर के बावनिया गाँव से रहने वाला हूँ। और मैंने सर का वीडियो देखा तो मैंने सोचा कि जाते हैं तो रिपेयरिंग सीखते हैं। तो हम यहाँ आए तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की रिपेयरिंग भी सिखाई है सर जी ने, A to Z सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों सिखाई है, EMMC लेवल तक की पहुँचाई है। तो बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं सर जी का जो हमें इतना हार्ड लेवल का सिखाया जी। तो इन्होंने सर जीरो से लगा के एडवांस लेवल तक की क्लासेस की हुई हैं, ठीक है। क्लासेस में इनको जो भी यहाँ पे सर लोग होते हैं इन्होंने पूरी मदद की है, और ऐसा नहीं वहीं पे सर रह कर के मदद करते हैं, ठीक है, एक एक अपने हाथ से बताते हैं इनको, ठीक है। बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को सर बताना होता है, हाथ से कराना होता है। ऐसा नहीं कि देखिए होती तो ये कोई आपके लिखाने वाली कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि आपको लिखा दिया जाए तो आप उसको याद कर लोगे, ठीक है। याद करने से कुछ नहीं होगा, फिर याद करने से यही होगा कि आपके दिमाग में आपको याद रहेगा लेकिन हाथ से कभी कर नहीं पाओगे, ठीक है, जब तक आपका हैंड सर्किल अच्छा नहीं होगा। हैंड सर्किल मतलब होता है हाथ का जो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, जब तक सर आपका वो नहीं अच्छा होगा तो आप मोबाइल रिपेयरिंग या किसी भी ट्रेड की कोई भी रिपेयरिंग आप नहीं कर सकते हैं। हैंड सर्किल के लिए, ठीक है, इनको सर जी 8-10 घंटे पर डे क्लास दी जाती है। 8-10 घंटे मतलब समझते हो 40-45 दिनों का बैच होता है, और ये भी निश्चित नहीं कि 40-45 दिन अगर लगते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम आपसे बोल देते हैं कि यहाँ से जाना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। आपको क्या करना है, 40 दिन लगे, 45 दिन लगे, 50 दिन लगे, 60 दिन लगे, किसी भी बच्चे से ये नहीं कहा जाता कि सर आपके 45 दिन हो गए आपको जाना होता है, लेकिन जो मैक्सिमम होता है 40-45 दिन में कोर्स ख़त्म हो जाता है। होता क्या है, आप भी जानते हैं कि हर एक बच्चे का जो दिमाग होता है वो बिल्कुल समान नहीं होता है कि बिल्कुल एक समान दिमाग हो, हर एक बच्चे का दिमाग डाइवर्ट अलग अलग होते हैं। उनका बच्चों का दिमाग जो लाना होता है डाइवर्शन करके लाना होता है, तो वो मोबाइल रिपेयरिंग की तरफ उनका ज़्यादा आकर्षित करना होता है, अन्य जो होता है ठीक उनको डाइवर्ट करना होता है। तो इसी तरीके से होते हैं सारे बच्चों के जो दिमाग होते हैं सभी समान नहीं होते हैं, तो इसी तरीके से किसी को ज़्यादा समय लग सकता है, किसी को कम समय लग सकता है। तो हम आपसे विकास जी से पूछते हैं, ठीक है, विकास जी आप यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे? सर, हमारा विचार है दुकान शॉप खोलने का। ये इनका विचार है एक छोटी सी शॉप खोलने का, ठीक है, इनका छोटा सा परिवार है, माँ बाप भाई बहन है, ठीक है, तो उनको ऊपर पहुँचाना इनका है, ठीक, क्योंकि ये भी बहुत छोटे स्तर से आए हैं, ठीक है, कहना नहीं चाहिए वीडियो के माध्यम से, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है विकास जी की, ठीक है। छोटा सा गाँव है इनका, ठीक है, वहाँ से बिलोंग करते हैं, हमीरपुर के पास गाँव पड़ता है। और अब ये शायद अपनी दुकान कहाँ खोलेंगे सर? जी, भरवा सुमेरपुर में खोलेंगे। इनकी दुकान खोलने का इरादा है भरुआ सुमेरपुर, ठीक है, भरुआ सुमेरपुर, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, भली बात जानते होंगे, यूपी में ही आता है भरुआ सुमेरपुर। तो वहाँ पे दुकान ओपन करेंगे छोटी सी, अपने 2-2.5 लाख से दुकान ओपन करेंगे, और वहाँ से अपने परिवार को जो एक अच्छा जीवन यापन होता है, ठीक है, वो जीवन यापन करेंगे। तो हमारी विकास जी से यही गुजारिश है
हर समय अपने फैमिली अपने परिवार को लेके चलेंगे, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है विकास जी, ठीक।